बहुत टाइम बाद हो सकता है कि आज हमें एक पीसी प्लेयर देखने के लिए मिले, और इतने में तो ज़ियान हेडशॉट मार देते भाई, इतने में ज़ियान हेड मार देते हैं। बट लेट्स सी कि क्या आज यहाँ पे खोपड़ी खोलने वाले एसटीजी ज़ियान की या फिर ज़ियान ही बाजी मारेगी। और गाइस मैं बता दूं, मोबाइल प्लेयर्स का भी एक लेवल हम लोगों ने बढ़ा दिया, क्योंकि टूर्नामेंट आने वाला है, टूर्नामेंट में कब किसका कैसा रूप देखने के लिए मिले हम लोगों को पता नहीं चलता है गाइस। तो वही है, इससे पहले हम लोग अपने प्लेयर्स को और कड़ी टक्कर यहाँ पे दी जा रही है, उनको पीसी प्लेयर से वर्सेस यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एसटीजी गेमर। बट यार मेरे को वो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं मिस है गाइस, वो एक्यूरेसी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पे एसटीजी गेमर की बात की जाए तो आई थिंक एक भी शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए, मूवमेंट काफी अच्छा है, बट एट द एंड यहाँ पे ज़ियान, क्या बोलो यार इस प्लेयर के लिए वर्ड्स क्या, सब कुछ ही कम है। टू मैचेस हो गए मेरे, अच्छा दोनों जीते क्या आपने ब्रो? वेयर इज कैप 8 भाई, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है। आई हैव क्रिएटेड अ गेम, विल यू प्लीज प्ले इट? तक है वो कंफर्म नहीं है। शॉट भाई आपको पता है क्या कोई मैच वगैरह है आज? कल हुआ था कोई टूर्नामेंट का था, तो उसमें अपने बंदे जीत गए थे 7-3 से। कल हुआ था गाइस, कल हुआ था, कल आज का नहीं पता है मेरे को। ओके भाई हेडशॉट यहां पे, देखो शॉट भाई मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो सीन यहाँ पे ऐसा हुआ है, एक पीसी प्लेयर हम लोगों को यहाँ पे मिला है, हम रख रहे हैं कि वो नंबर ही नहीं आने दे रहे पीसी प्लेयर से वर्सेस में करो, वही पेल दिए, वही पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं। ज़ियान 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 गाइस, ज़ियान यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, ये ज़ियान को रोकना अनबीटेबल है भाई, ये बंदा को कौन रोकेगा, आज तक हारा नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ ज़ियान आज तक गाइस हारा नहीं, और आज तो पीसी प्लेयर के अगेंस्ट हम लोगों ने करा दिया। इसका मूवमेंट देखोगे तो बहुत अच्छा है, बट एक्यूरेसी शॉट ही एक भी अभी भाई यार। पीसी में तो देखो मूवमेंट तो हो ही जाती है अच्छी, पर बात तो एक्यूरेसी की ही, और पर क्या ही हेड मारा है वही तो लग ही नहीं रहा। स्टार्टिंग के गाइस, स्टार्टिंग के 3 राउंड मैंने इसी प्लेयर को दिखाया एसटीजी को, तीनों ही राउंड में इसने खाया। रिस्टार्ट करके आता हूं। हां रिस्टार्ट कर लो आप, पता नहीं गाइस क्या हुआ है, बढ़ते शॉट गन से, बट इस बार ज़ियान को ही मैं देखने वाला हूँ कैसे यहाँ पे खेलने वाला है। वो एक शॉट यहाँ पे लगाया जरूर है भाई, ये वाला मिस जरूर हुआ है, वरना तो इसी में काम खत्म यहाँ पे हो जाता, दोनों बंदे यहाँ पे हिल कर रहे हैं। प्रो गेमर भाई मेरा एक बार टेस्ट ले लो, आई एम योर बिग फैन यूएडी भाई, सुपर चैट से नहीं गेम दिखाना पड़ेगा, या फिर कोई रिकमेंड करे मेरे को, पता चले हाँ तुम्हारा इतना जबरदस्त गेम है, क्योंकि यार ऐसे नहीं पता चलेगा। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो भी भाई लोग हमारे आए हैं देखने, उनका किसी का भी टाइम वेस्ट हो, समझ रहे हो ना, एक भी गेम। तो मैं वही चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पे आए और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। अंथी एफएफ थैंक यू 100, मेरा 1v1 करा दो ब्रो, अगर हार गया तो 250 का रिडीम दे दूंगा, ड्रीम है मेरा आपके स्ट्रीम पे खेलने का। भाई देखो रिडीम का नहीं है भाई, रिश्वत रिश्वत सीन रिडीम का नहीं है भाई, सीन है टाइम का। ओके भाई इस वाले राउंड में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे जरूर लिया गया, अपोनेंट की बात की जाए एसटीजी गेमर पीसी प्लेयर है यहाँ पे, ज़ियान को आज काफी मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मेरे को गेम के स्टार्टिंग में लग रहा था। अभी तो लग रहा है कि यार, अभी तो लग रहा है कि मोबाइल प्लेयर की तरह बहुत गंदा इसको मार रहा है। और गाइस आज मैं बता दूं, आज एक बड़ा गेम होने वाला है। ओ यहाँ पे एसटीजी कमबैक यहाँ पे करते हुए 3 राउंड के बाद यहाँ पे गाइस, और अपने लिए यहाँ पे एक राउंड निकाल लिया गाइस, स्कोर यहाँ पे 1-3 हो चुका है। आज का जो बड़ा मैच है वो मैं बता दूं गाइस, 40 के लैक्स कंप्लीट होते ही होने वाला है, ज़ेरॉक्स वर्सेस ज़ियान का 1v1, जो एक तरीके से दोनों प्लेयर आप लोगों को पता है कितना कितना खतरनाक है दोनों प्लेयर। एलिवेटर वर्सेस ज़ियान भी कर देंगे, बट आज का लाइक टारगेट ये रहेगा, क्योंकि बंदा आधी बार एक बार गेम में लग जाता है तो भाई उसका फोकस तो फिर तो बहुत ही कम हो जाता है बाकी चीजों में। अरे भाई साहब क्या हुआ ये भी पेरेंट्स का थोड़ा डर रहता है। नहीं नहीं खुद कर लेता हूँ भाई, खुद कर लेते हो, कोई पिटाई की जरूरत नहीं है टॉनिक नहीं चाहिए मतलब टाइम से। और ये गाइस सपोर्ट मिलता है ना अच्छा खासा गेमिंग पे। अरे भाई क्या बात है, फिर तो मन होता है कि हाँ भाई स्टडी में उनको निराश ना करें। आई थिंक गाइस FFH4X एक्टिवेटेड STEG गेमर। अरे रे रे बंदा थोड़ा रुक जाता है ना, बस माइंड में वही चीज खटकती सीधा, और वियतनाम वालों का देख के तो पिछले बार देख के तो और खतरनाक सा लगता है। वियतनाम वाले हैक लगाए थे है ना? हाँ वो वाला प्लेयर लगाया था जो हम लोगों ने पकड़ा है, वही गंदा मार रहा था। जी गाइस यहाँ पे शॉटगन से हेडशॉट यहाँ पे लगा दिया है,
मेरे को पता नहीं है गाइज, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है, मैं सनी भाई से कंफर्म करता हूँ। चले गाइस यहाँ वी गो, स्कोर यहाँ पे हो चुका है 2-3। अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा भाई बंदे में कॉन्फिडेंस यहाँ पे आया है, और लास्ट दो राउंड यहाँ पे निकाल लिए, एक शॉटगन का यहाँ पे हेडशॉट और एक यहाँ पे यूएमपी का हेडशॉट, एसटीजी विद 2 किल्स। गुड बिगर भी ले लिए भाई इस बार तो इसने, डीगल भी है, मतलब मेरे को लग रहा है दोनों का वही सेम। भाई क्या था ये, लिटरली क्या था भाई, लग रहा है अपने बंदे क्या गंदा मार रहे हैं भाई, ये तो हैकर से भी गंदा मार रहे हैं। शॉट भाई क्या लगता है, कोई ऐसा प्लेयर है नजर में, मतलब लाइक किस हिसाब से 16 प्लेयर ग्रिड से सारे के सारे? हाँ कोई ऐसा बाहर से भी प्लेयर हो जो 1v1 में इंटरेस्ट रखता हो, फिर उसके साथ हम लोग उनका स्क्वाड वगैरह भी बनाएंगे, सारी चीज करने वाले, बट स्टार्ट होगा 1v1 से। ये तो फिर उनको गिल्ड में एंट्री लेनी पड़ेगी अगर उनको इंटरेस्ट है ना, लाइक अच्छा गेम है तो। हाँ एज अ कंपलसरी भी नहीं है, अगर कोई ऐसा बेस्ट प्लेयर आपको लग रहा है तो आप बता सकते हो, वो तो देखेंगे कि गिल्ड का जरूरी है या नहीं है, बट अभी तो हम लोगों ने ये सोचा है कि गिल्ड में ही कराया जाए। हाँ अभी तो ये सोचा है कि गिल्ड पे गिल्ड प्लेयर्स का ही कराया जाए, तो इसलिए गाइस कुछ स्लॉट्स अभी बचे हुए हैं। अगर तुम खतरनाक गेम प्ले दिखाते हो ना, एज अ नॉर्मल नहीं लगता है कि हाँ सारे प्लेयर्स को हरा रहे हो, ध्यान जीरोक्स ऐसे ऐसे प्लेयर्स को तुमने हरा दिया, ऐसे प्लेयर की हम लोग जरूरत है एक दो। भाई मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ब्रदर अभी आपके लिए, देखो आप ज्वाइन कर सकते हो, एज अ टीम कोड आ सकते हो, गेम प्ले अच्छा दिखा सकते हो, उसके बाद ही, अभी ऐसा नहीं है कि सभी ज्वाइन कर सकते हो, ओनली लिमिटेड स्लॉट है, बेस्ट प्लेयर्स जिन्होंने यहाँ पे आके गेम दिखाया। 16 प्लेयर्स होने वाले ना? हाँ ओनली 16 प्लेयर्स। भाई मजा आने वाला है, क्या होने वाला है, मतलब एक मैच एलिमिनेट डायरेक्ट या फिर कुछ मौका है या क्या है? अभी शेड्यूल नहीं बनाया, वो फिक्स्चर अभी सेट नहीं हुए, अभी पहले 16 प्लेयर्स निकालने हैं, फिक्स्चर वगैरह बना के, और फिर तो लाइक सेकंड थर्ड चांस तो मिलना ही चाहिए, मजा तभी आएगा। वैसे जब तक 16 में से हम लोग 8 प्लेयर जब तक बचेंगे ना, तब तक हम लोग कर सकते हैं कि कोई चांस नहीं, सीधे नॉकआउट मैचेस स्टार्टिंग में, फिर हमारे पास 8 प्लेयर आ जाएंगे, फिर बेस्ट ऑफ 3। भाई साहब फिर तो मजा आने वाला है, कमर कस लो भाई, नॉट प्रो आपको भी कसनी पड़ेगी और मेरे को भी, बंदों को तो यार क्या थी वही तो, क्योंकि पता है बंदों को क्या रहता है ना, अरे भाई साहब ये राउंड की बात की जाए गाइस, आई थिंक जान यहां पे एलिमिनेट हो सकते और गाइस एसटीजी ने एट द लास्ट में यहां पे बाजी मार ली है। देखो फिर बंदे को ये नहीं बोलेगा वो कोई भी बंदा कि यार ज़ियान वहां पे हार गया और वो बंदा वहां पे हार गया, या फिर जीरो उससे जीत गया, मतलब और बाकी जो चीजें हैं वो अब आप लोगों के सामने मैंने बता दी है, 16 प्लेयर्स जो स्लॉट्स अभी बचे हुए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बट प्लेयर चाहिए बिल्कुल डिफरेंट यूनिक खतरनाक वाला है, जैसे ब्राउन ने अपनी जगह बनाई है टूर्नामेंट में, ब्राउन भी जगह बना चुका है, और गाइस मैं बता दूं जियान हो गया, जियान को देखो भाई यहाँ पे पीसी प्लेयर को भी इतना जबरदस्त, गाइस यहाँ पे पीसी के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं जियान, बहुत ही खतरनाक मार रहे हैं। गाइस किसी ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया हो तो सारे बंदे एक साथ स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो जीरोक्स ज़ियान 4 फ्लैग गेमर टीएमपी। ओके और ओके चार प्लेयर से एक बंदे ने बताया, मैंने पूछा है ना तक तो लगा नहीं है कि हेडवेट दिखाए हो, ऐसे जबरदस्त इन्होंने है नौशा ब्रो जी, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया, और वैसे भी जो हमारे एसटीजी गेमर थे टीम कोड से थे, तो टीम कोड से भैया हम लोगों ने गेम को देखा नहीं है, बस वही देख लेते कि यार क्या हेडशॉट रेट है, क्या वो सब है, या फिर बंदा कुछ बोल रहा है भाई मैं करके दिखाऊंगा, तो थोड़ा बहुत किसी को मान के बंदे को सेलेक्ट कर लेता है। बट गाइस नेक्स्ट गेम में आप लोग बता दूं एक प्लेयर यहाँ पे आने वाला है भाई, मतलब मेरे को लग रहा है उस प्लेयर से ज्यादा वेट किसी प्लेयर ने नहीं किया है, वो गलती से ना पता नहीं क्या हुआ, रिक्वेस्ट उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिएक्शन स्ट्रीम से उस प्लेयर का नंबर ही नहीं आया, आई थिंक मेरे को लग रहा है 1 से 2 मंथ उसको हो गए हैं, और तो गाइस अब देखते हैं वो प्लेयर ने, मेरे को लग रहा है खतरनाक वाली तैयारी भी करके रखी होगी, अपने आप को अपडेट भी कर लिया होगा, नेक्स्ट गेम में वो प्लेयर आने वाला है, उसका नाम होने वाला है FF डायरेक्शन, और हेडशॉट रेट की बात की जाए तो भाई रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ उसने कंप्लीट करके रखी है, 78% उसका हेडशॉट रेट है, ऑलमोस्ट 120 या 130 मैचेस के अराउंड। भाई कैसे कर लेते हैं बंदे ऐसा ऐसा हेडशॉट, समझ नहीं आता कैसे खेल लेते हैं बंदे चलिए फाइट देख लेते हैं फिलहाल, भाई आसान नहीं होता यार मेंटेन करना, हम खेलने जाते हैं भाई मारो बंदे को चाहे कैसे भी मरे भाई भाई यही रहता था उस टाइम पे, 40 है तो तुम्हारा बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा है भाई तुम्हारा हेडशॉट, तुम्हारा 40% हेडशॉट रेट है और 3.5 का केडी है, तो भाई बहुत ही खतरनाक प्लेयर उस टाइम के थे, अगर पुराने टाइम की थोड़े से ओल्ड टाइम की बात की जाए,
ओए भाई बचा है मिसुने साहब पे देखेंगे फाइट वन ऑन वन की अभी भी जियान पूरी ट्राई कर रहे हैं यहां पे निकालने की। अरे रे वो बंदा ये खेल क्या रहा है पैक कर लिया। अरे यार पैक कर लिया नहीं बैक कहां गया उसने नहीं पैक 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 हां अपने आप को ग्लू वॉल में हां जून गाइस स्कोर हो चुका है 4-5 दो राउंड कहीं ना कहीं एसटीज के ऐसे जरूर निकले दो राउंड की बहुत ही ज्यादा क्लोज में पिछले से पिछले वाले राउंड में भी लास्ट सिर्फ थोड़ा सा 20 या एक ही बुलेट का डैमेज सीधा उसमें फिनिश हो गए जियान। इस वाले राउंड में भी ऐसा हुआ है। अब देखेंगे कि जियान इस बार ट्राई कर रहे हैं यूएमपी। स्कोर यहां पे 4-5 हो चुका है कंफर्म हो जाएगी मुझे डबल होने वाले हैं फिर तो स्ट्रीम पे भाई जी साहब। चलिए देखते हैं स्टेज क्या कुछ करेंगे इस मैच के अंदर। चार चार ग्लू वॉल लग रही है यहां पे जियान की फिलहाल वन ऑन वन की फाइट स्टेज काफी ज्यादा ग्लू वॉल जो लगा रहे हैं गोली चलेगी जी नहीं ग्लू वॉल भी टाइम भी काफी ज्यादा ले रहे हैं। स्टेज की बात की जाए तो स्टेज और जियान के जो राउंड है पिछले दो तीन हम लोग देखे काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे लिया जा रहा है और जियान ने कहीं ना कहीं यूएमपी और एमपी 40 पे ट्राई जरूर किया है बट एसटीजी यहाँ पे कोई भी ट्राई हम लोग नहीं देखने के लिए दो शॉट गन से खेलते आ रहे हैं वही चीज हम लोग देखने के लिए। और देखो तो सही जियान को एक बार स्पेक्टेट करिए वो बिल्कुल ओपन में कूद रहा है जियान साहब ग्लू वॉल से बाहर नहीं निकल रहे हैं दिक्कत हो रही है इस वजह से राउंड लंबा खतरा है। देखिए जियान कितना खुले में कूद रहे हैं बंदे को ओपन में आने का आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए फाइट लीजिए पर यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होना है एक डैमेज दिया जरूर मजे में खेल रहा है जियान तो यार शॉट गन वगैरह कुछ नहीं होते कूद कूद के चलिए देखते हैं सिंगल डैमेज दिया फिर से क्या जोन जीत जाएगा मैच यहाँ फिर से ग्लू बॉल लगी है जोन में यार लग रहा है फिर से पैक कर लिया है फिर से जाने वाला है गेम जोन के उसमें ही पता ही नहीं चल रहा है दोनों प्लेयर इतना टाइम ले रहे हैं ना स्टेज फिर से पैक कर लेंगे अपने आपको शायद लग रहा है आज ये कोई नई ट्रिक है अपने आपको पैक करके जीतने की और यहाँ पे फाइनली ग्लू बॉल हटा के दो शॉट मार दिया और राउंड ले लिया ये भी अच्छी ट्रिक है भाई आई थिंक मेरे को लग रहा है एलिमिनेट हुए हैं जी एलिमिनेट हुए हैं जी गाइस एक शॉट पड़ा उसके बाद एलिमिनेट हुए हैं तो गाइस स्कोर तो यहाँ पे आ चुका है 5-5 तो ब्रो आज क्रेजी का मैच होगा जिसने 1v1 किया था लेक्सिस से जीता कौन था उस गेम को आई थिंक लेक्सिस जीत गया था ना उस गेम को तो किससे क्रेजी और लेक्सिस क्रेजी तो नहीं गया क्रेजी ने बड़ा है ओहो बूम यहाँ पे गाइस बूम हेडशॉट जहां पे जब यहाँ पे जरूरत थी स्कोर यहाँ पे 5-5 हो गया था उसके बाद ही बहुत ही प्यारा भाई हेडशॉट के साथ यहाँ पे निकाला है ये बड़ा ही खतरनाक हेड मारा जैसे ही ओपन में आया वो प्लेयर तुरंत हेड दे दिया बोले जियान कि अब सीक्रेट कैमरा लगा रखा है क्या भाई वही वाला है करो क्या बोलो ब्रदर मैं सब कुछ जानता हूँ अरे भाई मतलब घर में तो कैमरा नहीं आता मेरे कहीं देख तो लो भाई कहीं दिन रात चढ़ते ऑपरेशन चल रहा हो भाई फिर बोलता है देखो दोस्त अपने मेरे से फील लेते हैं अब देखो खुद ही ऐसी हरकतें करता है मेरे पंदा से रखता है कैमरे से चलिए देख लेते हैं हमें मैच में क्या कुछ होगा वन ऑन वन बंदा अपने आपको पैक कर लिया फिलहाल यहाँ पे स्टेज गेमर है पर थोड़े से मेरे को लग रहा है कमजोर लग रहा है पीसी में थोड़ा धमाकेदार गेम प्ले दिखाना चाहिए था मेरे ख्याल से अरे कहते ही धमाका कर दिया हेडशॉट का शॉट भाई आपकी बात समझ ली है मान ली है भाई इसने लग रहा है अच्छा ये भी कर लो शॉट भाई ठीक है मैंने हैक पहुंचा दिया छोटा पार्टी चेंज लग रहा है ध्यान देना पड़ेगा क्या ध्यान जो यूएमपी ट्राई कर रहे थे वो भारी पड़ गई इसको ठीक है मोस्ट ब्रो मेरे ख्याल से ये भी रूल बनना चाहिए टूर्नामेंट में लाइक की एलिमिनेट पे नहीं राउंड दिया जाएगा यार वही तो मैं कंफ्यूज हूं भाई बनना क्या बनो यार क्योंकि सीन क्या है ना अगर तुम बनी इन कराओ तो बंदा जीरो है भाई ये क्या हो रहा है भाई सच में वो तो हवा में था बंदा